अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। भाई शौकीनों, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। और पहला ट्रक जो है, जिस तरह से पंजाब के इलाके सादकाबाद से जो है रवाना हो चुका है, और पहला ट्रक जो है जो लाने वाले हैं वो है रफाकत भाई। और कल जो है जिस तरह से बात हुई उनसे हमारी, तो उन्होंने बताया कि भाई हम निकल चुके हैं और शौकीनों को बोलो कि भाई तैयारी पकड़ो। तो टाइम टेबल जो है हम आपको बताते हैं इसी वीडियो में कि भाई वो किस टाइम तक पहुंचेंगे। उनसे बात हुई, हमारे एक दोस्त की उनसे बात हुई, तो उन्होंने जो है जिस तरह से उन्होंने पूरा बता दिया, एग्जैक्ट टाइम बता दिया, लेकिन उससे फिर भी जो है 2 से 3 4 घंटे सफ़र में होता है, ऊंच नीच होता है, क्योंकि वो ट्रॉलर है तो वो बड़ा स्लोली स्लोली आता है। तो मतलब बाकी जो है गाड़ी तो बड़ी तेज़ चलती है, लेकिन बड़ी गाड़ियां ऐसा है कि ओवरलोडेड होते हैं, तो वो जो है स्लो आते हैं कि स्पीड नहीं मार सकते, क्योंकि फिर जो है जानवर उसमें है, तो वो सब चीज़ों का जो है ख्याल करके आते हैं। तो भाई इसी वीडियो में जो है आपको मैं बताऊंगा कि जो एग्ज़िट टाइम है वो किस टाइम तक चांसेस हैं पहुंचने के। तो सबसे पहले जो है मेरी खबर जो है आप तक पहुंची ही है, और किसी ने जो है इससे पहले नहीं बताया होगा कि किस टाइम तक आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है एग्जैक्ट जो है टाइम बताऊंगा। कुछ शौकीनों को जो है ये भी एक मसला है कि भाई पेपर्स आ चुके हैं, और घर वालों ने जो है डंडा उठा के उन्होंने जो है बताया कि भाई अगर तुम बाहर निकलो तो मतलब तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। तो बड़ा सख्ती से जो है उन्होंने मना किया, क्योंकि पेपर्स आ गए और पेपर्स भी जो है लाजमी है। तो शौकीनों ने कहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने जो है लाजमी जो है पहला ट्रक जो है देखना है, और कि मतलब किस तरह से उतरता है अनलोड। और दूसरी बात ये है कि लोकेशन भी चेंज है, जैसे मैंने बताया था कि नादरन बाईपास की लोकेशन है, तो थोड़ा दूर हो जाता है। तो शौकीन जो है फिर भी जो है भले कहीं भी चला जाए, लेकिन शौकीनों ने पहुंचना है। कुछ भी हो जाए तो हमारे जिस तरह से शौकीनों ने बताया, हमारे बात होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि भाई हमें जो है एग्जैक्ट टाइम बताओ, परफेक्ट टाइम बताओ कि भाई किस टाइम तक पहुंच रहा है। कुछ भी हो जाए हमने जो है आना, पेपर जो है भले जो है हम सप्ली दे देंगे, लेकिन हमने जो है मंडी जो है पहला ट्रक देखना है। तो अच्छा, लोकेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में फिर, और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आपने काम करना है कि जो मेन सुपर हाईवे है आपने जो है उस रास्ते से नहीं आना है, मेन सुपर हाईवे वाले रास्ते से नहीं आना, क्योंकि उसमें दो मसले हैं, ठीक है। एक तो वो रोड सन्नाटा है और थोड़ा दूरी पड़ जाता है, और दूसरा ये कि वो वन वे पड़ जाता है, वन वे होता है, तो ये रोड जो है थोड़ा ख़तरनाक भी है, और ये रोड जो है थोड़ा ख़तरनाक, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि वो मुर्गा जो है अजान दे रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ चलूँ कि भाई ये रोड जो है थोड़ा सा खूनी रोड भी कहलाता है, क्योंकि वन वे है और इस पे जो है बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, छोटे बाइक बाइक हो गई, कारें हो गई, तो ये इस पे जो है इतनी नहीं चलती, क्योंकि एक हवा का रुख ज़्यादा होता है, और दूसरी बात ये है कि ये वन वे होता है, तो थोड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि शौकीन आएंगे ज़्यादातर जो है लड़के बाइक पे आते हैं। तो मेरा उनको यही मशवरा है कि आपने म्यांमार से जो है म्यांमार वाला रास्ता जो है बिल्कुल म्यांमार वाले रास्ते से आना है। आपने काम करना है म्यांमार मोड़ से जो है, मैं आपको समझाता हूँ, जो सुरापुर की जो पुरानी मंडी है, जो मतलब पहले जहाँ मंडी लगती थी गाय मंडी, तो सुरापुर की मंडी, उसके सामने जो है म्यांमार मोड़ है, म्यांमार मोड़ से जो है डबल रोड सीधा आ रहा है। तो आपने काम करना है उस रोड पे आके आपने जो है पहली चौरंगी पे राइट साइड पे, पहली चौरंगी की राइट साइड पे जो है कट ले लेना है, और पहले कट ले लेके जो है आपने सीधा आना है, फिर एक चौरंगी आके आएगी, वो चौरंगी कहलाती है बंगाली मोड़ कहलाती है चौरंगी, तो आपने उसको जो है सीधा मतलब आपने कहीं मुड़ना नहीं है, उस पर जो सीधा सीधा आना है, वो चौरंगी क्रॉस करके सीधा सीधा रोड जो है आगे, फिर एक चौरंगी आएगी वो कहलाती है जमाल मस्जिद, और जमाल मस्जिद जो है बाजार आ जाएगा, तो आपको समझना है कौन मस्जिद है जमाल मस्जिद। तो आपने वो रोड बिल्कुल कट नहीं लेना, उस रोड पे सीधा सीधा आता जाना है, तो वो आगे जो है डायरेक्ट जो है वो रोड बिल्कुल स्ट्रेट आगे जो है नादरन बाईपास पे टच होता है। नादरन बाईपास जैसे टच होंगे तो आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना है, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो राइट साइड पे जो है आपको मंडी का जो बोर्ड है वो नज़र आ चुका आ जाएगा, मंडी का जो बोर्ड है वो नज़र आ जाएगा। तो आपने जो है यही रास्ता जो है इख्तियार करना है, क्योंकि इस रोड पे जो है सिक्योरिटी भी होती है, म्यांमार की अपनी सिक्योरिटी भी है, और बाकी भी जो है सिक्योरिटी के एहलकार पुलिस वाले बैठे होते हैं। तो ये रोड जो है आबादी के अंदर अंदर से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सन्नाटे वाला रोड है ये वो, तो आपने जो है यही रोड इख्तियार करना है और इस रोड से आना है, और डायरेक्ट जो है मंडी आना है, इस रोड पर आना भी है, इस रोड से जाना भी है। तो अच्छा एंड से मैं जो है मैं बताता चलूँ कि भाई अभी हम विजिट करके आए हैं, तो हमारी जो है रफाकत भाई से जो है एक दोस्त ने बात की है, तो उन्होंने क्या बताया, आप ये वीडियो देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। फोन मिला लिया रफाकत भाई को। एक ट्यून कॉपी करने के लिए 10 सेकंड।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है रफाकत भाई, खैरियत से? रफाकत भाई कहाँ तक पहुँचे? रानीपुर में। आप अभी वहाँ रुके हुए हो? रुके हुए वहाँ, या फिर अभी चल रही है गाड़ी? गाड़ी चल रही है या रुके हुए हो? चल रही है माशाल्लाह। तो कब तक पहुँच जाओगे, एक अंदाजा है कोई? अंदाजा है रात के 8-9 बज जाएंगे। 8-9? हाँ ये तो है अंधेरा, वही पिछले साल। चलो अल्लाह मालिक है, आप पहुँचो, सब वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है भाई। हाँ आप देख रहे होगे ना, सब माशाल्लाह से वेट कर रहे हैं आपका कि कब आओगे। कब चलो रोशनी में हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अब अल्लाह मालिक है, चलो खैर है, दे रहा है दुरुस्त है, लाइटों से इंतजाम कर लेंगे हम। ठीक है ठीक है भाई। अल्लाह शौकीनो, जिस तरह से आप रफाकत भाई से बात की, तो उनको खुद जो है बेसब्री से इंतजार है कि भाई कब मैं पहुंचूंगा, क्योंकि रास्ते में जो है सफर करते हुए बंदा थोड़ा सा थकावट महसूस होती है और थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से उनको खुद बेसब्री से इंतजार है कि भाई मैं कितनी जितना जल्दी हो सके मैं पहुँच जाऊँ। तो पहला जो है ट्रक आ रहा है और रास्ते में है, और तकरीबन 7-8 इसके दरमियान में जो है पहुँचेगा, जैसे रफाकत भाई ने बताया। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई पहुंचो, इंशाल्लाह मगरिब के बाद जो है मेला सजेगा और पहला ट्रक जो है जैसे एंट्री होगी, तो पहला ट्रक जो है जनरल ब्लॉक जो है वहाँ उतरेगा, जो बिल्कुल जो VIP जो टेंट है उनके सामने जो है जनरल ब्लॉक है। तो पहला जो ट्रक है मेरा जितना ख्याल है, जैसे इंतजामिया ने बताया, तो पहला ट्रक जो है वहीं उतरेगा। तो भाई आपने जो है एक काम करना है, जैसे मैं मंडी की वीडियो बनाता हूँ, सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी, तो ये वाला सीज़न जो है आ रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं गाय मंडी का जो पूरा सीज़न है तो ये जो है आपको दिखाऊं। तो आपने काम करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट करना, ताकि ऐसी वीडियो जो है आप तक आती रहें। तो भाई जिन्होंने जो है पूरा सीज़न देखना है, तो जल्दी जल्दी उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हिट करें, ताकि हमारी जो है वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। बाकी जो है रिपोर्ट देंगे, मंडी जाके गाड़ी तैयार करी है, तो चलते हैं, लेट्स गो। और उसके बाद जो है पहला ट्रक